हेलो गाइस वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव एस्पेक्ट्स एसपैक्ट में आपको मिश्रा आज मैं लेके आ गया सोनेट फेस लिफ्टी ट्वेंटी फोर मॉडल का एक न्यू वेरिएंट जो कि आपके सामने खड़ा है अभी एच के ऑप्शनल वेरिएंट जो कि इसका पहले सेकंड बेस आता था एस के उसी का ऑप्शनल वेरियंट निकाला गया है जिसमें आपको सनरूफ ऐड करके दे दिया गया है पीछे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प रियर डिफॉगर और बात करने तो यहाँ पे आपको जो एड किया गया है उससे आपको प्राइसिंग ज्यादा बढ़ाई नहीं गई है क्योंकि यहाँ पे जो आपके सामने पर्टिकुलर वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल में खड़ा है जिसके एक शोरूम प्राइस की बात करें तो लखनऊ में मिल जाता है ओनली फॉर नाइन पॉइंट थ्री सिक्स लैख जो की काफी अच्छी प्राइसिंग है सब कुछ बताऊंगा डिटेल दूंगा चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगेगा इस पक्का लाइक कर दीजिएगा चलते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स से तो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है वन पॉइंट टू लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है एटी वन बी एच पी की पावर और वन थर्टीन एन का टॉक जो कि गाड़ी के साइज हिसाब से काफी सही है फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आपको एस से कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे फिर भी आपको बता दू यहाँ क्या क्या मिलता है तो आपको दिखाना शुरू करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लोग ऐसा कुछ मिल जाता है आपको फ्रंट की ग्रिल की बात करें तो पूरे मैट फिनिश में देखने को मिलेगी यहाँ पे इसके नीचे आप देखेंगे तो पूरी सिल्वर की लाइनिंग मिल जाएगी साथ साथ आपको फ्रंट में दिखाऊं तो आपको चार फ्रंट पार्किंग सेंसर्स में मिल जाते हैं और यहाँ पे हेडलेम्स दिखाओ तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं आपको दिखा दू डीआर अभी होता तो काफी अच्छा रहता बट यहाँ पे आपको बस सिल्वर की लाइनिंग मिलेगी हेलोजन बेस्ड आपको सारे हेडलेम्स मिल जाते हैं हाई भी भी सब यही से वर्क करेगा इंडिकेटर भी हेलोजन मिलता है फॉग लाइट की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे हेलोजन ही देखने को मिल जाता है और स्कीट प्लेट फ्रंट की देखेंगे तो आपको पूरी सिल्वर की गार्निशिंग में ऐसी कुछ देखने को मिलेगी और यही है पूरा कुछ फ्रंट प्रोफाइल इस गाड़ी का अब चलते हैं फ्रंट की बातचीत हो गई आपको साइड पे ले गए तो आपको साइड से दिखाऊं तो आप साइड से देख सकते हैं कुछ ऐसी लगती है गाड़ी साइड से भी काफी शानदार देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये आपको अलॉय व्हील जैसे देखने को लग रहे होंगे बट यहाँ पे आपको सिक्सटीन इंचेस के रिम व्हील्स मिलते हैं विद व्हील कैप जिसे आप फ्लेक्स व्हील्स कहते हैं जो आपको देखने में बिल्कुल अलॉय वाला लगेंगे बट ये है फ्लेक्स व्हील्स जिसके व्हीस आप पे आपको टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है टू फिफ्टीन सिक्सटी आर सिक्सटीन का टायर प्रोफाइल फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है बैक में आपको ड्रम ब्रेक से मिलते हैं और यहाँ ए प्लियर दिखाऊं तो ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगा आपको बॉडी कलर ओवर वे मिल जाएंगे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएगा फोल्डेबल नहीं मिलेगा आपको फोल्ड खुद से करना पड़ेगा और इंडिकेटर भी यहाँ नहीं मिलेगा आपको फेंडर पे ही मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये नीचे का वेरियंट है जो आपको यहाँ से इसी सब को देख के आपको समझ आएगा क्रोम की लाइनिंग कहीं भी आपको नहीं मिलेगी बॉडी कलर सारे डोर हैंडल्स मिल जाएंगे ग्राउंड लेंस की बात करें तो आपको टू हंड्रेड फाइव एम मिल जाता है और ऊपर दिखाऊं तो सबसे नई चीज की इसी वाले वेरिएंट से आपको अब यहाँ पे सनरूफ मिल जाता है सिर्फ नाइन पॉइंट थ्री सिक्स लैक्स में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूफ रेस देखेंगे तो पूरा ग्रे ब्लैक फिनिश में मिलेगा अब साइड की भी बातचीत हो गई आपको चलते हैं बैक पे लेके तो बैक से आप देखते हैं बैक में भी एक अपडेट है जो आप देख के समझ आ रहा होगा अब आपको इसी वाले वेरिएंट से एंड टू एंड कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो आपको पहले एस टी आया करते थे वो यहाँ पे अब आपको ऑफर कर दिए जाते हैं एस के ऑप्शनल सही जो कि काफी ज्यादा शानदार और टॉप मॉडल वाला फील देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको बैक से अब इधर दिखाओ तो किया गया लोगो मिल जाता है सोनेट की बैजिंग और यहाँ पे ऊपर दिखाऊ तो यहाँ आपको रियर वाइपर तो नहीं दिया गया है बट यहाँ आपको डियर डिफॉर्गर दे दिया गया है हाई मोट प्रॉब्लम ऐसा कुछ मिल जाता है और ऊपर से दिखाऊ तो ऑल ओवर कुछ ऐसा व्यू आएगा शार्क फेन एंटेना भी आपको वहाँ पे मिल जाता है पीछे में और नीचे दिखाऊ तो आपको यहाँ पे इसका रिवर्स कैमरा प्लेस मिल जाता है पीछे आपको दो रिवर्स पार्किंग में से मिल जाते हैं और स्किट प्लेट दिखाऊ तो ऐसा कुछ सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाता है नीचे यहाँ पे रिवर्स लाइट रिफ्लेक्टर्स कुछ ऐसे प्लेस मिल जाते हैं अब यही थी पीछे की कुछ बातचीत चलते हैं आपको पूरा साइड से एक बार लुक चेकआउट करा दू तो आप इस साइड से देखते हैं क्या ही शानदार लग रही है एकदम लग रही है टॉप मॉडल यार कनेक्टेड टेल टेल्प यहाँ पे आप देखेंगे अलॉय वाला फील देखने को मिलेगा यहाँ दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 45 लीटर का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है तो वहाँ पे आपको उसका ओपनर मिल जाता है फ्यूल टैंक का और बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ आपको दिखाऊं तो 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि काफी ज्यादा शानदार है देखने को आपको मिलेगा काफी प्रैक्टिकल पार्सल्ट्रे देखेंगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा बट स्पेस काफी अच्छा मिलता है इस गाड़ी में और नीचे दिखाओ तो आपको यहाँ पे स्टेपनी व्हील भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपको सेम साइज का मिलेगा जो आपको बाहर देखने को मिलता है वही सेम साइज का आपको देखने को मिलेगा स्टेपनी व्हील और बैक से आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ऑल ओवर व्यू आता है जो की काफी ज्यादा शानदार है फिट एंड फिनिश की बात करना यार तो वो भी काफी अच्छी है किया कि गाड़ियों में ये सब बोलना नहीं पड़ता आप देख के समझ पा रहे होंगे हर चीज अच्छे से कवर्ड है कहीं भी इशू नहीं है में आपको पीछे नंबर प्लेट लाइट्स भी ऐसे कुछ मिल जाते हैं अब सारी बातचीत हो गई खत्म करते हैं इसको बंद चलते हैं आपको इंटीरियर में लेके तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाओ तो कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे नहीं मिलती आपको की से ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको दिखाओ तो कुछ ऐसा आपको डोर साइड आपको ड्राइवर साइड देखने को मिलेगा क्योंकि तो काफी ज्यादा शानदार है यहाँ पे आपको सब कुछ हार्ड प्लास्टिक का सेटअप मिलेगा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो कंट्रोल्स मिलते हैं आपको और व्यम के उसके सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे इधर पे आपको लॉक अनलॉक बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चारों पावर विंडोज चाइल्ड लॉक बटन इधर आपको कुछ स्पेस वेस रखने के लिए बॉटल होल्डर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा स्पीकर ट्विटर का सेटअप कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको और डैशबोर्ड दिखाऊं तो क्या ही शानदार यार इस प्राइसिंग में आप देखेंगे क्या ही प्रीमियम डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा अंदर भी आपको कुछ अपडेट्स है वो अंदर चल के बताऊंगा उससे पहले आपको सेटिंग दिखा दू यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखते हैं फेब्रिक में आपको ऑल ब्लैक में सीट्स मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे हैं कुशन एंड ऑल भी काफी सही है यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है और सारे आपको मैनुअली कंट्रोल्स मिलते हैं फ्रंट की बात करें तो आपको दो एडजस्टेबल हेड्रेस मिल जाता है सनरूफ रूफ एड करके दे दिया गया जो आप देख सकते हैं काफी शानदार देखने को मिलेगा अब अंदर चलते हैं उससे पहले एक बार आपको कीज दिखा दू लास्ट में तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी की मिलती है आपको फ्लिप की की आगे लोगों के साथ लॉक अनलॉक और बूट स्पेस ओपन करने का बटन मिल जाता है अब चलते हैं सब कुछ बाहर की बातचीत हो गई कीज भी आपको दिखा दिया बैठते हैं अंदर और रख लेते हैं कीज को इसको कर लेते हैं बंद फिर सारी चीज आपको बताता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में सो गाइस मैं इसके में एक बार आपको फटाफट से लुक चेकआउट करा दूं अंदर बैठने के बाद कैसा आएगा तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का कुछ ऐसा आपको पूरा लेआउट मिल जाता है जो की काफी ज्यादा शानदार है स्टेरिंग की बात करें तो कोई भी लेदर है अपनी आपको नॉर्मल प्लास्टिक में मिलती है बट क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है राउंड ही मिलती है यहाँ पे स्टेरिंग आपको यहाँ पे सिल्वर की गार्निशिंग किया के लोगों के साथ इधर हॉर्न मिल जाता है सारे स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे कि यहाँ पे आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स वॉइस कमांड्स वॉल्यूम अप डाउन बटन मोड्स के बटन ऊपर नीचे करने के लिए फेवरेट बटन और इधर दिखाओ तो यहाँ जो क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता तो ये सब खाली मिलता है इधर आपको एमआईडी जो मिलती है उसको कंट्रोल करने का बटन मिल जाता है ऊपर नीचे सारे करने का ओके कैंसिल करने का यहाँ से मिल जाता है साथ साथ स्टेयरिंग की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है आपको टॉप एंड में भी टिल्ट ही मिलता है टेलीस्कोपिक नहीं ऑफर किया जाता है और सोनेट में इधर दिखाऊं तो हेडलैम्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है वाइपर मैनुअली मिलता है एम की बात करें तो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीड मीटर इधर आरपीएम मीटर बीच में डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिखाई जाते हैं इंजन वार्निंग सारे यहाँ से आपको लाइन से दिखा दें फ्यूल कपैसिटी आपको वहां दिखाई जाती है और यहाँ पे आपको इंजन का टेम्परेचर दिखा दिया जाता है इस गाड़ी का साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाऊ तो एट इंच का इनफुट स्क्रीन में मिल जाता है जिसमें आपको ऑटो और एप्पल कार्ड पर कनेक्ट हो जाता है पूरा मास्टर कंट्रोल जो इनफोट स्क्रीन का यहाँ पे आपको मिलेगा और ये सब आपको पूरा पियानो ब्लैक में मिलता है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है जिस प्राइसिंग में गाड़ी आती है ये सब फिनिश काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में ऊपर दिखाऊ सब हार्ड प्लास्टिक का ही सेटअप है सॉफ्ट टच का नहीं है बट क्वालिटी वाइज सब कुछ सही है और इधर दिखाऊं तो ये सब जो पार्ट है ना ये सब भी जब हटेगा तो पूरा पियानो ब्लैक में आएगा जैसा आप बाकी पार्ट देख रहे हैं इधर आपको हजार लैम का बटन मिल जाता है नई चीज ये कि यहाँ पे आपको देख के समझ आ रहा होगा ये कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी अब इसी वाले वेरियंट में एड करके दे दिया गया है यहाँ दिखाऊं तो पूरा उसी का यूनिट मिल जाता है आपको इधर आपको डिफॉगर के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो मोड्स होते हैं फैन के उसको चेंज करने का रिसर्कुलेशन मोड को ऑन ऑफ करने का पूरे यूनिट को ऑफ करने का फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने का इधर मिल जाता है एसी ऑन ऑफ करने का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी को ऑन ऑफ करने का और साथ यहाँ टेम्परेचर कम ज्यादा करने का आपको बटन मिल जाता है साथ साथ ए सी इवेंट्स की फ्रेंड में बात करें तो एक दो तीन और चार कुछ ऐसे मिल जाते हैं और सब पे आपको सिल्वर की गार्निशिंग ऐसी कुछ मिल जाती है इधर कुछ सामान वामान रखने की स्पेस मिल जाती है टाइप सी की एक चार्जिंग पोर्ट ट्वेल्व वोल्ट का एक सॉकेट इधर एक टाइप का चार्जर और फिर से कुछ स्पेस सामान रखने के लिए सेंटर कंसोल की बात करें पूरा सिल्वर की गार्निशिंग में ऐसी कुछ देखने को मिलेगी इधर आपको मिल जाता है इसका फाइव स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स क्योंकि ये मैनुअल में है नीचे दिखा दूं आपको तीनों पैडल्स ऐसे कुछ मिल जाते हैं ये सब आपको पूरा लेदर में मिलता है क्वालिटी वाइज काफी सही है दो कप होल्डर से मिल जाते है, हैं हैंड ब्रेक आर्मरेस भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है क्वालिटी वाइज काफी सही है हर चीजें यहाँ दिखाऊं तो काफी अच्छा स्पेस भी है साथ साथ आपको ग्लव बॉक्स दिखाऊ तो ग्लव बॉक्स आपको ऐसा कुछ साइज का देखने को मिलता है जो कि गाड़ी के साइज हिसाब से काफी ठीक ठाक है अब सारी बातचीत हो गई इधर की ऊपर आपको एक बार दिखाऊं तो यहाँ आपको ऑटो डिमिंग तो नहीं पर मैनुअल आपको यहाँ पे डे नाइट आय मिल जाता है सन राइजेस आपको व्हाइट में मिल जाते हैं विद टिकट होल्डर सन ग्लास होल्डर इधर मिल जाता है हाइड्रोजन में आपको दो लैम्प फ्रंट में मिल जाता है इधर वाले में एक मिरर आपको ऑफर कर दी जाती है और सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शनल सही सनरूफ ऐड करके दे दिए है वो भी इलेक्ट्रिक सनरूफ वन टच ओपन एंड क्लोज जो आप देख सकते हैं काफी अच्छा लगा मुझे इस प्राइसिंग में जो चीजें ऐड कर रही है किया बहुत अच्छा और जो न्यू अभी आने वाला एस के ऑप्शनल टेन फिफ्टीन डेज लगेगा तो उसमें आपको और भी कुछ चीजें ऐड की गई है तो जब आएगा वो भी हम रिव्यू करेंगे बाकी इधर फ्रेंड की बातचीत हो गई अब बात कर लेते हैं सिटिंग की तो मेरा हेड फाइव सिक्स है, है। रूम आप चेक कर सकते हैं यार क्या ही शानदार देखने को मिल रही है लेग रूम भी काफी अच्छा अंडर था सपोर्ट में कोई इशू नहीं स्पेस वाइज ना इस गाड़ी में आपको आगे पीछे कहीं भी इशू नहीं आने वाला एक बार आपको दिखा दूंगा पीछे भी बट मैंने इतनी किया कि गाड़ियाँ रिव्यू किया तो मुझे पता है आप इवन वहाँ पे भी देख सकते हैं काफी स्पेशियस है घर अब सारी बातचीत हो गई एक बार आपको पूरा कैबिन का लेआउट चेक कराऊँ फ्रेंट में बैठ के तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा अब चलते हैं फटाफट से पीछे पीछे आपको दिखाता हूँ व्यू कैसा आता है इस गाड़ी में और सारी चीज बताता हूँ पीछे से क्या क्या मिल जाता है इस गाड़ी में सो सुबह जागे पीछे पीछे आपको दिखाता हूँ पीछे बैठने के बाद कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड का लेआउट मिलेगा जो व्यू देखने को आपको मिलेगा ऊपर आपको छोटा सनरूफ जो है देखने को मिल जाता है जो कि यार पीछे बैठने के बाद ना तो बंदे को लगने नहीं वाला है की कोई नीचे के वेर में बैठा है काफी प्रीमियम फील आने वाला है अब चलते हैं आपको व्यू भी दिखा दिया मैंने स्टार्ट करते हैं पीछे क्या मिलता है तो यहाँ से दिखाना शुरू करूँ तो पीछे भी आपको दो एसी वेंट्स यहाँ कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो आप देख सकते हैं सिल्वा की गान संगदर भी मिल जाती है दो टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं इधर आपको स्पेस मिल जाते हैं जहाँ पे आप फोन चार्ज पे लगा के रख सकते हैं बीच की हम की बात करें तो वो भी छोटा ही मिलता है जिसमें ना बीच में बंदा काफी कंफर्टेबली बैठ सकता है और काफी व्यू भी अच्छा इन्जॉय कर सकता है सिटिंग की बात कर ले तो यहाँ पे मैंने पूरी सीटी वाली पीछे करके और रिक्लाइन करके कर रखी है और ये वाली अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके कर रखी है तो दोनों साइड बैठ के बताता हूँ सबसे पहले पूरी सीट जहाँ पे पीछे है वहाँ बैठ के दिखाऊ तो आप यहाँ पे देखते हैं पूरी सीट पीछे होने और रिक्लाइन होने के बाद भी ना नीरूम ठीक ठाक है यार और साथ साथ यहाँ पे बात करें तो लेग रूम भी अच्छा है अंडर सपोर्ट भी 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 कोई इशू इशू नहीं तो नहीं है 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 तो स्पेस के 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 मामले में ना कहीं कहीं आगे पीछे मेरे हाइट लिए लिए फुट वाले के लिए थोड़ा हो सकता है अगर पूरी सीट पीछे रही बट नॉर्मली ऐसे कभी भी कोई पूरा पीछे करके नहीं रहता तो आपको सिक्स फुट वाला भी बंदा काफी कंफर्टेबली बैठने वाला एक बार आपको उधर भी बैठ के दिखा दो मेरे हाइट का बंदा बैठेगा तो कैसा स्पेस रहेगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर मेरे हाइट का बंदा आगे बैठेगा तो कुछ ऐसा यहाँ नीरूम बचेगा क्या ही शानदार लेग रूम भी काफी अच्छा अंडर दर सपोर्ट भी काफी बढ़िया और साथ साथ जो सिटिंग कंफर्ट है काफी अच्छा है और वैसे भी आपको फेस फेसलेट में थोड़ा सा अंडर सपोर्ट बढ़ाया गया है तो पहले से ये भी अच्छा पहले से कर ही दिया गया है साथ साथ पीछे के सीट्स की बात करें तो ये भी आपको पूरी फैब्रिक की मिल जाती है ब्लैक में जो कि काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलती है अच्छी क्वालिटी के कुशन ऑल भी काफी सही है पीछे दिखाऊ तो कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता आपको दोनों ही मिलते हैं और ये सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट रेशियो में भी नहीं आता आपको अगर बैंड होगा तो हंड्रेड परसेंट बैंड होगा लेकिन यहाँ पे आपको थ्री पिन सीट बेल्ट मिल जाता है और यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको डोर ट्रिम की बात करें तो डोर ट्रिम आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक में वैसा ही मिलता है यहाँ पर विंडो स्पीकर लिवर और ये चीज कि यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड मिल जाते हैं दोनों साइड आपको दिखा दू तो दोनों साइड आपको सन ब्लाइंड मिल जाते हैं जो कि आपको सन से काफी प्रोटेक्ट करने वाले हैं साथ ही हैंडल बार की बात करें एक दो और तीन हैंडल बार ऐसे कुछ मिल जाते हैं और पीछे भी आपको एक हेलोजन का लैंप ऐसा कुछ मिल जाता है रीडिंग लैंप अब सारी बातचीत हो गई एक बार आपको पूरे कैबिन का व्यू दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा अंदर आता है व्यू अब चलते हैं फटाफट फड़ से आगे प्राइजिंग एंड ऑल की बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में जी so था कि सोनेट फेस लिफ्ट ट्वेंटी फोर एस टी के ऑप्शनल पेट्रोल का रिव्यू मेरे साइड से जो कि मुझे काफी पसंद आई बात कर लेते हैं इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस के बारे में तो ये गाड़ी आपको एक शोरूम मिलती है लखनऊ में नाइन पॉइंट थ्री सिक्स लैक्स की और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड मिल जाती है टेन पॉइंट फाइव सेवन लैक्स जो कि काफी अच्छी प्राइसिंग लगी मुझे यहाँ पे जो चीजें ऑफर कर दी जाती है जैसे आपको नई चीजें जो एड एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर दू ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ए सी रेड डिफॉगर आपको मिल जा रहा है पीछे आप देखेंगे तो आपको कनेक्टेड टेल लैम्स मिल जाते हैं साथ ही साथ सनरूफ भी आपको एड करके दे दिया गया इवन आपको एस टी ऑप्शनल जो आपको बेस आता है उसका भी एक ऑप्शनल वेरियंट निकाला गया उसमें भी आपको सनरूफ मिल जाता है तो यार किया काफी अच्छा काम कर रही है जैसे कि जिनका बजट उतना ज्यादा नहीं है ऊपर के वेरियंट्स लेने का तो नीचे के वेरियंट्स में भी काफी प्रीमियम फील देने के लिए काफी अच्छी गाड़ियां निकाल दे रही है तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो इस प्राइसिंग में मुझे काफी अच्छी लगी गाड़ी गाइस आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी गाड़ी और वीडियो अच्छा लगा होगा इस प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय